समटाइम कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा होता है जो मेंबर्स हैं वो पे नहीं करते हैं। लेट आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन चैनल है। अब होता क्या है, लोग जब इसे ज्वाइन करते हैं तो नेटफ्लिक्स फ्री 3 मंथ सब्सक्रिप्शन देता है, यानी आप उसका बेनिफिट 3 मंथ के लिए ले सकते हो। उसके बाद आपको एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। अब लोग क्या करते हैं कि वो 3 मंथ यूज़ करते हैं और इस पूरे एक साल में यानी हमारे पास कितने रहे, 9 मंथ है, उसमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ और आगे भी रिसीव नहीं होगा, तो हम इसको लॉस मान लेते हैं। लॉस मानते हैं कि भैया ये रिसीव नहीं हुआ, ये ख़त्म हो चुका है, ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा भी नहीं। हम इसको एज ए एसेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में एज ए एसेट इसको ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसे सब्सक्रिप्शन को हम सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कहते हैं। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ नॉर्मली अगर कहा जाए तो रिटर्न ऑफ नॉर्मली कब होते हैं, जब हम किसी भी खर्चे को, एनी एक्सपेंसेस को, जब हम उसके एक्सपेंसेस अकाउंट में, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ जब किया जाएगा, जब उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस साल का खर्चा मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम कोई खर्चा रिटर्न ऑफ करेंगे तो उसकी 2 एंट्रीज होंगी। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, हमने सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कर दिया, डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन को कर दिया क्रेडिट। अब हमारे पास दूसरा, ये कब किया जा रहा है, व्हेन सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, व्हेन इज नॉट रिसीव्ड। काफ़ी लोग यहाँ पर जान बीइंग का नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। अब दूसरी एंट्री कब होगी हमारे पास, जब इसको हम इस सब्सक्रिप्शन को किस अकाउंट में ले जाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और यहाँ सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ को हम क्रेडिट करेंगे। ये हमने क्या कर दिया है, सब्सक्रिप्शन को ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांसफर्ड टू रिटर्न ऑफ फ्रॉम करंट ईयर इनकम्स। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है इसका, जब अकाउंट बनाया जाएगा उससे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंट। नॉर्मली हमारे पास जो हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए सब्सक्रिप्शन का जो अकाउंट होता है उसमें हमारे पास, यहाँ पर मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो हमारे पास सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है ये बात समझना ज़रूरी है। अब सब्सक्रिप्शन को एंड रिजल्ट्स को देखते हैं, जब हम बैलेंस शीट में रखते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारी एसेट है, और एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं ओपनिंग और क्रेडिट साइड में होते हैं क्लोजिंग। उसी तरह हमारे पास जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन इट्सेल्फ इज ए इनकम है, अगर इनकम बढ़े तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और कम हो तो डेबिट साइड में लिखते हैं। अब ये इनकम जो हम सब्सक्रिप्शन मान रहे हैं, हम ये मानेंगे कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है
वो रिटर्न ऑफ हो रहा है, एक तरह से सब्सक्रिप्शन ख़त्म ही मान लो। या फिर ये कहो कि जैसे हमारे पास कहा जाता है कि मान लिया तुम्हारे सब्सक्रिप्शन आ ही गया, एक तरह से ख़त्म करेंगे उस सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन को अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इधर जो लिखा जाता है, मैं इधर कर देता हूँ, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस है, और यहाँ बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस है। इसी तरह हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस होगा और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। और ड्यूरिंग द ईयर कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास इधर आएगा। इसके अलावा अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास बाय बैंक रहेगा नॉर्मली, अगर इसके अलावा कोई भी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ करते हैं तो ये हम मान लेंगे कि आ ही चुका है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है। तो ये जो बाय, अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली यहाँ रहेगा। अब देखिए हमने जो जर्नल एंट्री की थी अभी, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में हमने सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ को ट्रांसफ़र कर दिया है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ को ट्रांसफ़र कर दिया है। और हम इसके अब ये जो बैलेंस होगा दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, हमारे सामने एक एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल में हमें देखिए क्या, हम पढ़ लेते हैं इसको एक सारी डिटेल, और यहाँ पर हमें जो बनाना है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का परफॉर्मा बना देता हूँ। इस तरफ हमारे पास डेबिट साइड होगी, यहाँ क्रेडिट साइड होगी, और ये हम बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, देखो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फॉर द फ्लोइंग determine the amount of subscription that should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. Subscription received during the year were as follows. For the year ended 31st March 2018, subscription हमारे पास for the year ended 31st March to subscription received हमें मिला है, ये जो subscription received है रिसीव्ड है यानी कंबाइंडली है 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 30,000, टोटल 3,50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की कैटेगरी में डाल सकते हो आप। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पर इन सभी के बजाय सिर्फ ये लिख देता ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो आप इस डायरेक्ट अमाउंट को ले लेते। अब सब्सक्रिप्शन अमाउंट में ये सारा डिटेल में अलग अलग दे दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो ओपनिंग में हमारे पास आउटस्टैंडिंग था आपने पहले देखा भी है, अभी अभी मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग हम ओपनिंग बैलेंस है, तो इधर लिख देंगे, लिख देते हैं टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 35,000 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद कहता है आउट ऑफ विच 5,000 वर नॉट रिकवरेबल, जिसमें से 5,000 रिकवरेबल नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ ऑन द डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वर 20,000। ऑन द डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें उस दिन सब्सक्रिप्शन एडवांस जो था, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस है ये, तो ये हमें क्वेश्चन में 20,000 दिया गया है। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 इज 60,000, ये तो हमारे पास क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम लिख देते हैं बाय, एक सेकंड मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर लेता हूँ, बाय हमारे पास
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो यहाँ पर ये दिया गया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, हमें इस करंट ईयर में ये 30,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। ये जो डिटेल दी गई है, ये अलग से डिटेल दी गई है, ये जो 30,000 ये सब्सक्रिप्शन है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में डाल के हम क्लोजिंग बैलेंस दिखा देते हैं कि हमारे पास बाय टू एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है क्वेश्चन में हमें 30,000 दिया गया है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, ये चार टर्म डाल चुके हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अगर एक साल का दे रखा होता तो अलग बात होती, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में जितना भी रिसीव हुआ है चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो हम सारा डालते होते हैं, यानी वो 20,000 प्लस 300,000 प्लस 30,000 टोटल लिखेंगे यहाँ 3,50,000 रुपीज़। अब इसके अलावा क्वेश्चन में एक डिटेल दी गई है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ नहीं दिया गया, यह नॉट रिकवरेबल दिया गया, ये देखने वाली बात है, ये देखो आउट ऑफ विच 5,000 इज नॉट रिकवरेबल, रिकवर हो ही नहीं सकता, मीन्स वी कैन राइट एज ए बैड, हम इसको नॉट रिकवरेबल मान लें तो इसको हम एक तरह से बैड डेट मान लें, बैड डेट तो नहीं है बट ये सब्सक्राइबर हैं, डेटर नहीं है हमारे, तो ये हमारी बैड डेट की तरह ही है कि ये पैसा नहीं देंगे हमें, तो हमें इनको राइट ऑफ करना है। अगर हमें राइट ऑफ करना है तो हम ये रिटर्न ऑफ वाले हैं तो हम इधर लिख देते हैं इसको बाय हमारे पास सब्सक्राइबर रिटर्न ऑफ, ये हमारे सब्सक्राइबर रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, सॉरी 50,000 नहीं है 5,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी क्वेश्चन में, अब जो बैलेंसिंग फिगर होगी टू हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी हमारा, देखो ये कितना हो गया देख लेते हैं, जो टोटल है इसका हो जाता है 4,35,000, जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी हमारी वो हो जाती है 3,70,000। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमारे पास अब जो ये दो टर्म्स हैं जो सब हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, पहला 3,70,000 और दूसरा 5,000। अब देखिए ये 5,000 क्यों जाएगा इसके बारे में भी देख लीजिए, इस 5,000 के बारे में हमने यहाँ पर ये जो है 5,000 इसके जिक्र हमने यहाँ पर किया है, ये देखो हमारे पास ये वाला। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, हमने कहा था सब्सक्रिप्शन पहले राइट ऑफ किया सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, अब फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दो टर्म्स हैं इस सिचुएशन में, दो टर्म्स ऐसी होंगी जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी इस अकाउंट से, पहली टर्म ये जाएगी और दूसरी टर्म ये जाएगी। अब हम यहाँ पर जो बना लेते हैं एक बार, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, इस तरफ हमारे एक्सपेंडिचर हैं और इस तरफ हमारी इनकम है। अब देखिए हमारी इनकम की साइड आप ट्रांसफ़र कर देंगे, ये जो इनकम की साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, 3,70,000 हमारा सब्सक्रिप्शन आया। दूसरा, क्योंकि ये खर्चा, ये रिटर्न ऑफ खर्चा, ये हमारा नुकसान हो चुका है और सारे नुकसान को हम एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस अमाउंट को हम लिख देंगे टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ जो कि है 5,000। इस तरह से हम सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ को ट्रीट करेंगे। आई होप समझ आया होगा, वीडियो को एक बार दो बार देख लें जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर YouTube चैनल कॉमर्स फंडामेंटल।